स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। स्विट्ज़रलैंड का नाम आप सभी ने सुना होगा, स्विट्ज़रलैंड का नहीं होगा तो स्विस बैंक का तो ज़रूर सुना होगा, जहाँ पर काला धन जो इंडियन लोगों ने छुपा के रखा होता है, ख़ासकर और भी बहुत सारी कंट्री के लोग जो है वहाँ पर काला धन छुपा के रखते हैं। तो चलिए हम आज स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ऐसी अजीब कंट्री है ये, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरीका है, यहाँ का सिस्टम पूरी दुनिया से अलग तरीका है। डेमोक्रेसी है यहाँ, लेकिन एक अलग तरह की डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ऐसी कंट्री है दुनिया की वाइद जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इस पर बात करने से पहले मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने लाइक और कमेंट जो हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं अपने व्यूज जो हैं कमेंट के ज़रिए। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करेंगे हम। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन बना कब, किस तरह की गवर्नमेंट है वहाँ पर, इस्टेब्लिशमेंट किस तरह का है, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो कैसी है, लोग किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहले हम हिस्ट्री से शुरू होंगे, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से हुआ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन बना, शुरू कब से हुआ। तो पहले हम बात करेंगे कि 1798 से पहले कोई भी स्विस नाम की कंट्री नहीं होती थी, एक कॉन्फेडरेशन होती थी इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, एक फेडरल स्टेट नहीं थी बल्कि एक कॉन्फेडरेशन थी इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, जिसको स्विस के नाम से, स्विस कॉन्फिडेंस ड्रेसी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद की अगर बात करें हम, तो फिर बाद में 1848 में जैसे ही जो सोंडरबॉन्ड वार है ये ख़त्म हुई, एक पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से ये वार हुई थी, काफ़ी देर तक चली थी ये वार, और 1847 में ये ख़त्म हुई। इसके ख़त्म होने के नतज के बाद में जो स्विट्ज़रलैंड का जो सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म हुआ और एक फेडरेशन से एक फेडरल स्टेट के तरफ जो है वो रुख किया उन्होंने, और फेडरल स्टेट जैसे ही बनी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया, जिसको कब प्रमलगेट किया गया, 12 सितंबर 1848 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रमलगेट किया गया। ये स्विट्ज़रलैंड की हिस्ट्री का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1848 का था उसको पार्टली रिवाइज किया गया 1866 में, और फिर से 1874 में इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज किया गया, इसको पूरे को चेंज किया गया एक रेफरेंडम के जरिए, फेडरल लेवल पे रेफरेंडम कराया गया और उसको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, जो कब बनाया था 1848 में। ये था इसका सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जब चेंज हुआ। अब बात करते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी तरह से, फिर जो सेकेंड वर्जन था इसका दूसरी बार चेंज हो रहा है 1990s में, द न्यू वर्जन अप्रूव्ड बाय द पॉपुलर एंड कैंटोनियल बोर्ड ऑन 18 अप्रैल 1999 एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2000। सो द 1990 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड कंसिस्ट्स ऑफ प्रियम्बल 6 पार्ट्स एंड विच टुगेदर मेक अप 196 आर्टिकल्स। और ये लास्ट, ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है स्विट्ज़रलैंड का, जो कब इम्प्लीमेंट हुआ, 1 जनवरी 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ, और ये बना कब, 18 अप्रैल 1999 में बना ये। इसमें इसमें है क्या क्या, प्रियम्बल है, 6 पार्ट हैं इसके और 196 आर्टिकल हैं। अब हम पहले इसके टाइटल्स की बात करेंगे, क्या क्या है प्रोविजन इसमें, प्रियम्बल और टाइटल वन में क्या आता है, जनरल प्रोविजन है। टाइटल टू की बात करें तो उसमें फंडामेंटल राइट है, सिटीजनशिप है और कुछ सोशल गोल्स दिए गए हैं। टाइटल थ्री की बात करें तो उसमें कॉन्फेडरेशन है, कैंटोन्स और कम्यून्स की बात की गई है। इसके बाद है टाइटल फोर, इसमें पीपल्स और कैंटोन्स की बात करेंगे। टाइटल फाइव में हम बात करेंगे फेडरल अथॉरिटीज़ की, और टाइटल सिक्स में बात करेंगे हम रिविजन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इनकी बात करेंगे। तो चलिए हम पहले प्रियम्बल से शुरू करते हैं। सो प्रियम्बल एंड द फर्स्ट टाइटल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंड द जनरल आउटलाइन ऑफ द स्विट्ज़रलैंड, कि स्विट्ज़रलैंड है कैसा, जनरल उसके बारे में बताता है। स्विट्ज़रलैंड जो है एक डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक है। कितने कैंटोन्स हैं इसमें, 26 कैंटोन्स हैं जिनका अपना लॉ है, जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है हर एक कैंटोन का। सो दे आर गवर्न बाई द रूल ऑफ लॉ।
प्रियम्बल ओपन द सॉल्मन इन्वोकेशन ऑफ, प्रियम्बल शुरू किससे होता है, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वी द पीपल से, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है इन द नेम ऑफ द ऑलमाइटी गॉड. सो द जनरल प्रोविजन कंटेन इन टाइटल फ्रॉम आर्टिकल 1 to 6 डिफाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड ऑफ स्विस स्टेट ऑन ऑल ऑफ इट्स 3 लेवल ऑफ अथॉरिटीज, दैट इज अ फेडरल, कैंटोनल एंड म्युनिसिपल, जिसको हम कम्यून गवर्नमेंट कहते हैं. सो दे कंटेन एंड इन्यूमरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कंटोन्स अफर्म्स कैंटोनियल सॉवरनिटी विद इन द बॉन्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिस्ट द नेशनल लैंग्वेजेस. कितने लैंग्वेजेज हैं नेशनल स्विट्जरलैंड की? 4 नेशनल लैंग्वेजेज हैं, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन एंड रोमांश. ये 4 नेशनल लैंग्वेजेज हैं स्विट्जरलैंड की. सो दे ऑल्सो कमिट द स्टेट टू द प्रिंसिपल ऑफ ओबीडियंस टू लॉ, प्रोपोर्शनैलिटी, गुड फेथ एंड रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड एक्सप्लिसिट क्लेम फॉर सब्सिडियरी एंड फोर्स क्लोजिंग विद अ रेफरेंस टू इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये था इसका ओपनिंग टाइटल, फर्स्ट जो थी जिसमें प्रियम्बल और पहले टाइटल की बात की हमने. अब बात करेंगे दूसरे टाइटल की, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप और सोशल गोल्स की बात की गई है. इसका जो टाइटल 2 है उसमें ये 3 चीज़ें आती हैं. पहले बात करेंगे हम बिल ऑफ राइट की, जिसमें 35 फंडामेंटल राइट्स हैं. वो फंडामेंटल राइट हैं क्या क्या वो मैं आपको बताता हूँ. आर्टिकल वाइज, हर आर्टिकल वाइज एक फंडामेंटल राइट बताया गया है. पहला है ह्यूमन डिग्निटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी कंडक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, सो राइट टू असिस्टेंस, बेन इन नीड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरी एंड टू हैव फैमिली, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ द मीडिया, फ्रीडम टू यूज़ एनी लैंग्वेज, राइट टू बेसिक एजुकेशन, एकेडमिक फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ डोमिसाइल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपल्शन, एक्सट्रेडिशन एंड डिपोर्टेशन, गारंटी ऑफ ऑनरशिप, इकोनॉमिक फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ फॉर्म, प्रोफेशनल एसोसिएशन, जनरल प्रोसीजर. तो ये जो थे कुछ फंडामेंटल राइट थे जो किसमें बताए गए हैं, टाइटल 2 में. इसके अलावा इसमें कुछ प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप के, यहाँ सिटीजनशिप ले भी सकते हैं आप, किसी भी कैंटोन के डोमिसाइल बन सकते हो. अगले टाइटल 3 की बात करें अगर हम, तो टाइटल 3 में कॉन्फेडरेशन की बात की है और कैंटोन और कम्यून की बात की है. तो इसमें कॉन्फेडरेशन, कैंटोन और कम्यून, इनके रिलेशन बताए गए हैं, क्या कैसे इनके रिलेशन है, कैसे ये वर्क करते हैं. कैंटोन जो है उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उनकी अपनी पार्लियामेंट रहती है. और इसी तरह से जो कम्यून है उनकी अपनी पार्लियामेंट प्रेवेल करती है. लेकिन जब कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं लॉ में, तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका जो कानून है वही इम्प्लीमेंट होता है. आगे बात करें हम टाइटल 4 की, तो टाइटल 4 क्या कहता है कि पीपल एंड द कैंटोन्स, लोगों और कैंटोन्स का किस तरीके का रिश्ता है. सो वो पॉलिटिकल, जो फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट्स हैं एंड इन पर्टिकुलर द राइट फॉर इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम. कोई भी लॉ बनता है तो फ्रेम किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, फिर उस पर रेफरेंडम होता है, लोग उस पर रेफरेंडम करते हैं, वोटिंग करते हैं, जिसके जरिए वो फिर एक लॉ की शक्ल लेता है. ये था कि लोगों का और कैंटोन का किस तरीके का रिश्ता है. एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट अलग होती है, कैंटोनमेंट में एक अलग पार्लियामेंट होती है, और एक कम्यून लेवल पे, यानी कि म्यूनसिपैलिटी, कम्यून जो है ये म्यूनसिपैलिटी है जो छोटे टाउन है वहाँ पर एक कम्यून बनाई गई है. अब बात करते हैं फेडरल अथॉरिटी की, टाइटल 5 की बात करेंगे. फेडरल अथॉरिटी की बात की गई है इसमें, सो इट रेगुलेट द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, इट प्रोवाइड्स फॉर 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय 3 बॉडीज, दैट इज अ फेडरल असेंबली, जिसके 2 चैम्बर्स हैं, 2 हाउस हैं, रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव पावर, जो कानून बनाती है. इसके बाद दूसरी आगे फेडरल काउंसिल, जो एग्जीक्यूट करती है लॉ को, और इसके बाद आ गया फेडरल कोर्ट, जो जिसके पास जुडिशियल पावर है. लेकिन ये जुडिशियल पावर जो है, पहले जो इससे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिर्फ
जो फेडरल कोर्ट था उसकी सुपरवाइजरी पावर थी, लेकिन अब जो है इसको जुडिशियल पावर दी गई है, जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बना है जो 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ। इसके बाद हम अगर टाइटल सिक्स की बात करें, जिसमें प्रोविज़न दिए गए हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और ट्रांजिशनल प्रोविज़न के बारे में बताया गया है, इसमें क्या कहा है कि रेगुलेट द प्रोविज़न ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द ट्रांजिशनल प्रोविजन्स। इसमें कुछ ट्रांजिशनल प्रोविज़न जिनका जिक्र नहीं किया गया है इसमें, वो भी बताए गए हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट पर के साथ बेस्ट करते हैं, उनमें जो लॉ बना सकते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये था हमारा स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन की आपके साथ। इसमें 196 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? 196, जिनमें 35 आर्टिकल जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स पर आधारित हैं, जिनमें फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है कौन कौन सा राइट दिया गया है सिटीजन्स को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसपे मैंने डिटेल में आपको बताया कि स्विट्ज़रलैंड, एक चीज़ बता दूं कि स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल जो है वो बर्न में है, ये ज़रूर याद रखिएगा, बर्न जो है वो स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुक्रिया आप सभी का, आगे भी बने रहिए, ऐसे ही हम नए टॉपिक जो हैं, नए अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन करने वाले हैं, आगे भी नई नई कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसके लिए शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।